नमस्कार बंधुरा स्वप्नार किचेने आपनादेर सबाइके स्वागत जानाई। सामनेई आसछे जन्माष्टमी। आजके आमी जन्माष्टमी स्पेशल भोगेर खिचुड़ी रेसिपि निये चले एसेछि। बानानो खूबई सहज और खेतेओ खूब असाधारण हय। यदि रेसिपिटा आपनादेर भालो लेगे थाके अवश्यई लाइक कमेंट शेयर करे देबेन। ताहले देखे नेওয়া যাক आमार आजकेर भोगेर खिचुड़ी रेसिपिटा। भोगेर खिचुड़िर जोन्नो एखाने सोनामुख डाल निয়েছি। एखाने आमी एक कप परिमाणे सोनामुख डाल निये निয়েছি। आर निয়েছি एक कप गोविंदभोग चाल। एई कपेर आन्दाजे किन्तु आमी डालटाके निয়েছি। आर एई खिचुड़िर जोन्नो जे सब्जिगुलो निয়েছি सेगुलो होच्छे दुटो माझारि साइजेर फुलकपि एकटु बड़ बड़ टुकरो करे केटे निয়েছি। निয়েছি बड़ बड़ टुकरो करे केटे राखा आलू आर निয়েছি छोटो छोटो टुकरो करे केटे राखा गाजर। आपनारा आपनादेर पछन्द मतो सब्जिओ दीते पारें। आमी तीन रकम सब्जी दिए भोगेर खिचुड़ीटा बनाबो। प्रथमे डालटाके भेजे नेब। गैसेर फ्लेमटाके लो टू मीडियामे रेखे क्रमागत नेड़े चेड़े डालटाके हल्का लाल करे भेजे निते हबे। जतक्षण ना डालटा थेके सुंदर गन्ध बेरोबे ततक्षण किन्तु डालटाके भाजते हबे। क्रमागत नाड़ाचाड़ा करार पर डालटा थेके सुंदर एक गन्धो बेरिएছে और डालेर मध्य सुंदर एक कलरों चले एसेছে। एबार डालटाके एक बाटीते नामिए डाल और चालटाके धुए नेब। डाल और चालटा धुए नेওয়া হয়ে গেলে এবার কড়াইতে দিয়ে দিলাম 4 টেবিল চামচ মতো রিফাইন্ড অয়েল। আপনারা চাইলে রান্নাটা সরষের তেলেও করতে পারেন। তেলটা যখন গরম হয়ে আসবে তেলের মধ্যে ধুয়ে রাখা ফুলকপিগুলোকে দিয়ে দিলাম। एबारे गैसेर फ्लेमटाके मीडियामे रेखे फुलकपिटाके खूब भालो करे भेजे निते हबे। एबार फुलकपिर ओपर दिए दिलाम हाफ टी स्पून हलुद गुड़ो और दिए देब स्वादमतो नून। नून और हलुद गुड़ो देवार पर एबार फुलकपिटाके मिनिट 3-4 समय धरे खूब भालो करे भेजे निते हबे। देखुन फुलकपिटा खूब सुंदर भाजा हो गेछे। एबार फुलकपिटाके एकटा प्लेटे नामिये नेब। फुलकपि भेजे तुले नेওয়া হয়ে গেলে একটা হাঁড়ির মধ্যে আমি পরিমাণ মতো জল গরম করতে দিয়েছি। জলটা যখন গরম হয়ে আসবে জলের মধ্যে দিয়ে দিলাম ধুয়ে রাখা চাল ও ডাল। চাল ও ডালটাকে দেবার পর দিয়ে দেব কেটে রাখা আলু আর গাজর। जेहेतु आलू और गाजरटा सेদ্ধ होते समय लागे ताई चाल डालेर साथे आलू और गाजरटाके दिए दिलाम। दिए देब 1 टीस्पून हलुद गुड़ो। देब स्वादमतो नून। नून और हलुद गुड़ो देवार पर आबारो एकबार एकटु नाड़ाचाड़ा करे नेब। एबारे दिए देव 5-6टा गोटा काचा लंका। देव 1 चा-चामच आदा बाटा। काचा लंका और आदा बाटाटा देवार पर एबार चाल डालटाके फुटते देव। चाल डालटा जखन फुटे आसबे तखन एर मध्य दिए देव 1 बाटी कड़ाईशुटी। कड़ाईशुटीटा देवार पर एकबार एकटू नाड़ाचाड़ा करे निये एबार चाल डालटाके सेদ্ধ होते देब। खिचुड़िर डाल चालटा जखन सेদ্ধ होये आसबे तखन एर मध्य दिये देब भेजे राखा फुलकपि। फुलकपिटा आमी आगे दिलाम ना कारण फुलकपि आगे दिले गले जेते पारे आर जेहेतु फुलकपिटा आमी खूब भालो करे भेजे नियेछिलाम ताई फुलकपि सेদ্ধ होते किन्तु खूब बेशी टाइम लागबे ना। एबार फुलकपिटाके खिचुड़िर साथे खूब भालो करे मिशिये निये मिनिट 3-4 समय धरे फुलकपिटाकेও खिचुड़िर साथे फुटिये नेब। फुलकपिटाके खिचुड़िर साथे फुटिये नेওয়া হয়ে গেলে এবার खिचुड़িটাকে সম্বার দিয়ে নেব। কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি 2 टीस्पून মতো রিফাইন্ড অয়েল। देव 1.5 टीस्पून घी। घीटा जखन गले जाबे दिए देव दुटो तेजपाता, देव पाँच छाटा शुकनो लंका, देव गोटा गरम मसला। गरम मसलार मध्य तीनटे दारचिनी, तीनटे लवंग, चारटे एलाच और हाफ टीस्पून गोटा जिरे फोड़न दिए दिलाम। एबार 30 सेकेंड मसलाटाके खूब भालो करे भेजे निते हबे। मसलाटा भाजा हये गेछे और मसलाटा थेके सुंदर एकटा गन्ध बेरियेछे। एबार एर मध्य देब 1 टीस्पून मतो आदा बाटा, देब तीनटे काँचा लंका। एबार आदा बाटाटाके एक मिनट मतो भाजा करे नेब। आदार जखन काँचा गन्धटा बेरिये जाबे दिये दिच्छी 1 टीस्पून मतो भाजा मसला। एखाने आमी 1 टीस्पून गोटा जिरे और 1 टीस्पून गोटा धने शुकनो खोलाय भेजे गुड़ो करे रेखेछिलाम, सेई मसलाटाके तेलेर उपर दिये 30 सेकेंड मतो मसलाटाके भेजे नेब। फोड़नटा खूब भालो मतो भाजा हये जाबार पर एबार खिचुड़िर ओपरे फोड़नटाके ढेले देब। এবার ফোড়নটাকে খিচুড়ির সাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। ফোড়নটা ভালোমতো মেশানো হয়ে যাবার পর এবার স্বাদটা ব্যালেন্স করার জন্য দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ মতো চিনি। চিনিটাকে দেবার পর আবারও একবার একটু নাড়াচাড়া করে নেব। চিনিটাকে দিয়ে নাড়াচাড়া করে নেবার পর সবশেষে দিয়ে দিচ্ছি উপর থেকে ছড়িয়ে গরম মশলার গুঁড়ো আর দেব 2 টিস্পুন মতো ঘি। ঘি আর গরম মশলা গুঁড়ো দেবার পর এবার ঢাকনা চাপা দিয়ে 5 মিনিট আমি স্ট্যান্ডিং টাইমে রেখে দেব। তৈরি হয়ে গেছে গরম গরম ভোগের খিচুড়ি। আজকে আমি লাবড়ার সাথে ভোগের খিচুড়িটা পরিবেশন করেছি আর এই লাবড়া তরকারি রেসিপি অলরেডি আমার চ্যানেলে দেওয়া হয়ে গেছে, ডেসক্রিপশনে লিংকটা দিয়ে দেব। যদি রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। আবারও হাজির হয়ে যাব অন্য কোনো এপিসোডের সাথে। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।